हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं बी हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप पर एक आज वीडियो आई हुई है जो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लग रही है। इनके जो चिक्स हैं, जो बिट होती है, उनके बिट में ब्लड आ रहा है। यहाँ पर इमेज है, देखिए ये ब्लड जैसा आ रहा है। तो इसका कारण क्या होता है और इसका इलाज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम वीडियो दिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये इनके चिक्स हैं, जो ये इस तरह की ब्लड जैसे बीट कर रही हैं, बीट में ब्लड आ रहा है। तो इसका कारण क्या होता है, ये एक वायरल बीमारी होती है, बैक्टीरिया होता है जो फैल जाता है संक्रमण की वजह से होता है, जिसके कारण के बिट में ब्लड आता है। और इसका कारण क्या होता है, जो नीचे की ज़मीन है देख रहे हैं आप, इसमें थोड़ा गीला होने से ये बैक्टीरिया फैलते ज़्यादा हैं। यहाँ पर इमेज की बात करें तो ये देखिए इमेज आई हुई है, ये इनके ब्लड में बिट में ब्लड है कितना। तो काफ़ी गंभीर होती है, लेकिन इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। एक तो इन्होंने ये दवाइयों का लिस्ट भेजा है, इसे ये भी कारण होता है कि अगर हम उन्हें ग्रोथ बूस्टर हैवी डोज में दे दें, ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, बाकी इन्होंने भेजा है ये दवाइयाँ, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन इसका जो ग्रोथ प्रमोटर होता है, ये ओवरडोज देने से भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। जब बिछावन नीचे गीला रहे, सूखे ना, इसके वजह से भी आ सकता है। और बच्चे के जैसे भीड़ हो जाए, कम स्पेस में ज़्यादा बच्चे रखते हैं, तब भी ऐसी समस्या आ सकती है। तो देखिए नीचे काफ़ी गीला गीला लग रहा है, मतलब कि बिट साफ सुथरा नहीं है, इससे ज़्यादा संक्रमित होने के ज़्यादा चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन्हें थोड़ा नीचे का बिछावन थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, जो बिट होती है इनको निकाल देना चाहिए, छन्नी से निकाल कर छान कर, तो ये निकल जाएगा। और इसकी हम अगर दवाइयों की बात करें, तो अगर देसी इलाज करना चाहते हैं तो दही और हल्दी को मिक्स करके इसको दीजिए, जिससे कि इनके पेट में जो गर्मी गर्मी ज़्यादा हो गई है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और दवाइयों की बात करें तो दवाई आपको मार्केट में जो लानी है, अम्प्रोलियम है, ये आपको लेके आनी है, आपको बहुत सारी कंपनियों की मिल जाएगी। और इसके डोज की बात करें तो आप इसके पैकेट के ऊपर ही जो कंपनी बनाती है उसकी डोजेज लिखी होती हैं, उसके हिसाब से डोज दें। अगर नहीं समझ आता तो उसकी जो कंपनी की आप दवाई लेते हैं उसकी इमेज भेज सकते हैं, जिससे हम आपको सहायता कर सकते हैं कि कितनी डोज देनी है, और इस तरह से आप इनका इलाज कर सकते हैं। अगर और कोई भी दोस्त हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको कुछ और कोई समस्या हो रही है, तो इसी तरह से आप वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। वीडियो कृपया पूरा बनाएं, डिटेल में बनाएं कि उनका नीचे का बिछावन क्या है, कैसे रखते हैं, क्या समस्या है, अच्छे तरह से बनाएं, ताकि हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको बता पाएँ अच्छे से, अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी नीचे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ डॉक्टर संजीव कुमार, कृष्णा, कन्हैया, नारायण और सरवन मंडल आपके पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स पालन से लेकर उनके बीमारियों इलाज करने में सहायता करेंगे। अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप पर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9791071830 है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकॉन को भी बजा दें।